भाई से जो तुम्हारी हाई बीम जो हेड उसकी भैया एक तो वीडियो अगर बना रहे थे फिर मैं को वीडियो कौन बना रहा है वीडियो नहीं नहीं वीडियो एक काम से दिक्कत है जो फ्रस्ट्रेट हो रहा है वो वीडियो बनाएगा सब मेरी बात सुन ये तेरा काम नहीं है ये मैनेजर का काम है शनाद से हो रही है ठीक है ठीक है तुम चेंज कर वो पार्ट लाया मैं सिंगल पार्ट दिखा रहा सिंगल पार्ट है 1900 का मिडास के जो ओनर हैं वो मुजफ्फरनगर में रहते हैं हैवे शामली के ठीक है तो मैं कोशिश करूंगा कि उनसे कांटेक्ट करूं और इनके मैनेजर का बिहेवियर उन्हें बताऊं यही वाली है क्या लग रहा था यहाँ तो वही प्रॉब्लम क्या है शिवम इसमें बोनट खोल लूँगा पहले हाँ बोनट खोल दे बोनट खोल के दिखा दे पूरा क्या दिक्कत आई क्या बकचोदी कर रहे हैं तो कह रहे कि बिना उसके गाड़ी नहीं लेके जाने देने पेमेंट करो डायरेक्ट हो गया नहीं ये दादागिरी है सीधी सीधी दादागिरी हाँ भाई समस्या क्या है समस्या क्या है समस्या थी जो इसका फ्यूज था ना इसका ना एक यहाँ पे ना फ्यूज में कमी आई थी इसके अच्छा। तो मैं रास्ते में था तो मैंने वायरिंग डलवा ली यहाँ पे एक लाइट जल गई मेरी वो पार्ट मेरा काम कर रहा था बढ़िया अंदर वाला जो जिससे करते हैं ना उन उस पर लाइट वो काम कर रहा था तो भाई हेडलाइट की कमी थी वो मैंने ठीक करवाई इन पे इन्होंने वो पार्ट चेंज कर दिया मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि हम पार्ट चेंज कर रहे हैं आपका पहले खराब था नहीं सही था बस जब गाड़ी देखी गई लाइट ऑन हो रही उसका ऑफ हो रही थी सारी चीज़ हो रही थी उनका कहना है कि वो वायर वो खराब हो गया ठीक है जब वो खराब हो गया तो वर्क कैसे कर रहा था वो पहली बार तो उसके बाद अगर खराब हो गया तो इनकी जिम्मेदारी पर खराब हुआ ना वो क्या पता इन्होंने खराब था या नहीं खराब था या नहीं था तो पहली बार जल्दी कंडीशन में देख गए थे मेरे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि अपनी तरफ से बदल दिया हमने बदल दिया ठीक है मेरे पास फोन नहीं आया कि भाई जी हम आपके पार्ट बदल गए इस चीज में कमी है कोई फोन नहीं आया मेरे पास ठीक है दूसरी बात अब एक फूका हुआ ला के दिखा रहे देखो इसमें तो खुशबू आ रही है भाई क्या पता मुझे किसका है वो यहाँ तो दुनिया भर के पड़े होंगे वही तो बात है तो सर्विस जो है बेकार है एक नंबर की बहुत बेकार है भाई टाटा की सर्विस मतलब टाटा की नहीं जो मिडास है रुड़की वाला हरिद्वार वाला भी ऐसा ही है अलग नहीं है तो ऊपर से क्या कह रहे गाड़ी ले जाने देने के ऊपर से कह रहे कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ यहाँ से मैं ही सबसे बड़ा हूँ मगर मुझे जरूरत है भाई घर में थोड़ी दिक्कत है गाड़ी की जरूरत है ऊपर का जाना तो गाड़ी पैसे दे दो पहले देख लो भाई ये गाड़ी ये शोरूम मैंने कहा यहाँ से क्या सर्विस सेंटर और पूरी दादागिरी में बता रहे कि पैसे दो गाड़ी ले जाने देंगे अदरवाइज किसी की हिम्मत नहीं है गाड़ी ले जाने की जबरदस्ती अपनी तरफ से पार्ट चेंज कर रहे और फिर ये भी नहीं बता रहे कि हमने पार्ट चेंज कराया नहीं करा जबरदस्ती बैठ रहे हैं कि हाँ हमने ये चेंज कर दिया वो चेंज कर दिया फिर तो भाई तुम पूरी गाड़ी चेंज कर दो वाइजर वाले का तो जोड़ा देखो बिल देखो आप तो वाइजर का पेमेंट नहीं होता है मैडम मुझे ठीक था तो चेंज करने की जरूरत क्या बिल में ऐड कर यही तो बात समझ में नहीं आ रही हमारे में मैडम यही क्वेश्चन आपसे वो पार्ट लाया मैं सिंगल पार्ट दिखा रहा सिंगल पार्ट है 1900 का ठीक है जो ये जो है ना ये कॉम्बी स्विच जो आ रही थी वो दोनों का है दोनों का 3500 हो गया दोनों ने जोड़ रखा ठीक है वो दोनों के कैसे दो जब एक जीएसटी नंबर वगैरह लगाते हैं वो तो अलग है मैडम 3500 के बाद की 3800 तक गया वो 1900 है 18% जोड़ लो चलो 2100 हो जाएगा उतना बड़ी चला जाएगा 3500 के बाद 3800 तक का यार जीएसटी लगेगा कोई नहीं मैडम कोई नहीं चलो बैठ लें बैठने में कोई दिक्कत नहीं है बैठने में कोई दिक्कत नहीं है मैडम दूसरी बात ये है कि जो पार्ट है अगर वो खराब था तो चल कैसे रहा फिर वो चल किस तरह रहा उस टाइम पे जब बिना देखे गए इन्होंने खुद दिखाया जो था ना इसने जॉब कार्ड बनाया भैया ये वर्किंग
तो मैं काम कर लेता हूँ, आपको इसकी जान करनी पड़ेगी गाड़ी, फिर मैं आपको कल दे पाऊंगा। थोड़ा सा क्यों? क्योंकि आपका ये जो पार्ट है ना PSM सर पे मैं भेज दूंगा, अगर इसमें कोई अंदर से कोई वायरिंग या कुछ टेम्पर्ड ना हुआ ना इसमें, अगर वो ओके हुआ नॉर्मल चुका हुआ है तो वो आपका वारंटी में कवर करवा दूंगा, मतलब आपके जीरो कॉस्ट पे जाएगा, आपको कोई पे नहीं करना भैया। बट उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस रहता है। आपकी चोरी बताऊँ, अभी क्या पकड़ी गई चोरी है? क्या जी मैं बता ये क्या लिखा हुआ है स्विच, ये वाइपर ठीक है, ये चेंज हुए, पूरा चेंज हुआ ठीक है, वाइपर वाला भी चेंज हुआ इसमें, ये पूरा है ना भैया असेंबली, पूरा कवर वो ऑपरेट तो वही करता है भैया, तो एक लेके घूम रहे हो। अरे तो पूरा एक साइड से ऑपरेट होता है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं नहीं आ जाओ पार्ट भी भारी वही बात हो रही, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना झूठ भाई। से जो तुम्हारी हाई बीम जो ऐड आपकी भैया, एक तो वीडियो अगर बना रहे थे फिर मैं को वीडियो कौन बना रहा है? वीडियो नहीं नहीं वीडियो कस्टमर को मुझे वीडियो बनवानी पड़ेगी भैया, कस्टमर एक काम से दिक्कत है जो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वीडियो बनाएगा सब मेरी बात सुन, ये तेरा काम नहीं है, ये मैनेजर का काम है, कोई ना भैया वो कल बुला ले या मैनेजर को बुला ले यहां से, मैनेजर आप एक बार नंबर ले लो उनसे बात कर, मैंने कर ली बात उनसे, उनका भी बिहेवियर कोई अच्छा नहीं लगा मुझे, जैसा आपका ऐसा ही बीमार है ना बीच में भाई जी, क्या तुम्हारी होगी सोर्स, गरीब आदमी है ना गलत क्यों काटो, मौत है हम थोड़ा ही काट रहे हैं गलत, वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है फिर? ठीक है ये मेरे आगे का लिखा हुआ है, नहीं भाई वही तो बात कह रहा भैया, मैं आपका दिखाइए एक मिनट पेन दिखाओ, मैं लिख दूँ यहाँ से भी कुछ यहाँ लिख दूँ, मैं ये बात नहीं कह रहा आप लिख कर, मैं आपको बता रहा ये प्रूफ थोड़ी है, देखो हमारा काम है डायग्नोस होकर इन्हें बताना, हमने इन्हें बता दिया था इतने का पार्ट है भैया, अच्छा ठीक है, इन्होंने आपको बताया नहीं बताया, दोनों साइड का चेंज करा देना भाई, नहीं एक साइड एक साइड का 3800 का उसका रेट, एक का 3800 उसमें तो दोनों लिखा हुआ, वाइपर वाला भी लिखा हुआ, यही तो भाई तो बात है, बातों में तुम खुद फंस रहे, कॉम्बी स्विच RSG वाइपर, वाइपर का भी है बताओ, कह रहे एक बदला गया यहाँ लिख रखे दो है, दो ये कॉम्बी स्विच यही तो है ना, पार्ट नंबर तो एक वाइपर 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 ये तो लाइट का है, मेरी बात सुनो, चढ़ावा तो एक ही जगह एक ही खाने में डाल रहा है, तो एक एक तो रेट नहीं है, अच्छा एक के रेट ही 3800 है, हाँ ऑनलाइन तो इसके 1900 है, हमारा क्या अलग है, देखो जी भाई साहब इसके बारे में अगर आप हमसे बात करोगे तो गलत जगह बात करोगे, अगर हमसे इस बारे में ये काम है मैनेजमेंट का, टेस्ट ड्राइव हो रही है क्या उसकी, भाई 12,500 का बिल था, 6,500 रुपये लिया, अच्छा तो मतलब 3800 वाली फ्रॉड थी, 6,000 की, हेलो चल खैर कहना लड़ भिड़ गए, इसकी गाड़ी धोने पर आएगी भाई आगे पीछे अब हम ही मारेगा क्या, हाँ भाई क्या रहा फिर गाड़ी दूरी भी अच्छा दे रहे नू कहा था वो बिना पैसे तो गाड़ी नहीं ले जाने देने का, अच्छा टाटा रतन टाटा तो भी ऊपर है, अच्छा तोड़ 300 का कह रहा फिर उसका क्या बना, अरे वो तो हड्डी का पूरा अलग भी हटाए हो, अच्छा हड्डी में हटाने पड़े इन्हें तो हटाने पड़े भाई, इन्होंने कर रखा लाइट वाला चेंज, ठीक है इन्होंने लाइट वाला चेंज कर रखा उसमें, ठीक है अरे उसमें जो बिल इनवॉइस मुझे भेज रखी उसमें वाइपर भी लिख रखा, अच्छा वाइपर का वाइपर भी लिख रखा, अगर तुमने जो चेंज करा है तो उसके बाद
देखा इन्होंने बिस्तर गए बात करी इन्होंने कुछ हाँ। फिर कह रहे चलो हम इसे वारंटी में कर रहे हैं। अच्छा वारंटी में कर रहे हैं मतलब अपना ही ले लेंगे इसे हाँ, कहीं और एडजस्ट करेंगे तो और कस्टमर बच कर सारे पे एडजस्ट हो जाएंगे हाँ, तो मतलब सीधी सीधी पर चोरी कर रहे थे हैं पकड़ी गई भाई चोरी करते हैं बहुत चोरी करते हैं हाँ, मैं बता रहा इनका बना रहता है ग्रुप ठीक है ऊपर से नीचे तक कैन होती है जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है ना खुद ही खाते हैं सारे हाँ। नहीं अगर वही बात अगर लीगल पैसा होता तो फिर छोड़ते क्यों हाँ, हाँ, लीगल पैसा भाई टाटा का पैसा होता कौन छोड़ता अपने घर से थोड़ा ही देते हैं फालतू पैसा हेलो भाई गाड़ी रेडी होगी अब चलने की बारी पॉलिसर आएगी क्या डैशबोर्ड में रखी कुछ ना कुछ छोड़ ही दें ठीक है पंडा छुटाएगा ले भाई मोटे को 6000 बच गए साइड में लग गया था डेंट ठीक है उस नाम की हमें गाड़ी खड़ी करनी थी ठीक है जब अरे मुझे सर्विस भी करवानी थी गाड़ी की अच्छा तो खड़े करने का कोई प्लान नहीं था गाड़ी एजेंसी में मगर तुम लाइट वाइट ठीक कर दो इतना मामू सर्विस कर दो मैं सुबह को गाड़ी थी तो मैं शाम तक आया तो उन्होंने कहा लाइट ही ठीक कर दी बट लाइट ठीक नहीं हुई थी उस टाइम तक तो फिर मैंने कहा मगर चलो तमी रख लो गाड़ी फिर मैं सोचा डेंट भी निकलवा लेता हूँ तो भाई मैं 10 दिन बाद गाड़ी लेना आया 14 दिन हो गए बल्कि आज तो उन्होंने क्या करा कुछ पार्ट बदल दिए मुझे बिना इन्फॉर्म करो ये खराब थे या सही थे हमें नहीं पता क्योंकि लास्ट टाइम जी दिखाई थी जो उनका जॉब कार्ड बॉय था उसने मुझे गाड़ी दी उस टाइम वह चीज वर्क कर रही थी जो चीज उन्होंने खराब बताई अच्छा उन्होंने बाद में कह हाँ। दिया तो फूकी हुई निकली हाँ और लिकड़ी फूकली हुई हाँ बोल देगी खराब हो रखी फूकी पता नहीं हमें क्या दिखाया उन्होंने दूसरा कि देखो इसमें से बदबू भी आ रही हमें क्या पता हमारा क्या पता किसी और का हो उन्होंने बिल में ऐड कर रखा था तो और उन्होंने कहा वो साइड का भी ऐड कर रखा था उन्होंने जो एक तो लाइट जिससे ऑन ऑफ होती है एक साइड में होता है वाइपर वाला उन्होंने दोनों का बिल ऐड कर रखा था उसमें तो मैं वहाँ फंस गई फिर बाद में कि हाँ उन्होंने फ्रॉड कर ही रखा था उन्होंने तुम्हें फ्रॉड तो पैसे वापस दिए क्या पैसे भाई उन्होंने बिल बढ़ाया था 11,500 का अच्छा फिर जब उन भाई उन्हें लगा कि हाँ कुछ गलती कर रखी बहुत देर में कम से कम 2 घंटे बहस करी मतलब पता तो था उन्हें मान नहीं रहे थे मैं जब उन्हें पता लग गया कि हाँ पता लग लिया इनके फ्रॉड का जो इन्होंने फ्रॉड कर रखा था सर्विस वालों ने कि इनके फ्रॉड का पता लग गया तब जाकर उन्होंने फिर 5,000 रुपये कम करे नहीं क्या कहा कहीं और एडजस्ट करेंगे मतलब किसी और का पढ़ावेंगे हाँ ऐसा ही कुछ कह रहे बोल रहे कि हमने वारंटी में ठीक करा हमने एक साल पहले गाड़ी ली तो अगर वारंटी में ठीक करना था वो तो पहले भी करते हाँ। लेकिन पहले क्यों नहीं करा बात वही है फ्रॉड कर रहे थे मैं पकड़े गए ठीक है गाड़ी नहीं ले जा सकते सबसे बड़ी बात उन्होंने पार्ट चेंज करा एक 3800 रुपए का पार्ट चेंज कर रहे हमें इन्फॉर्म भी नहीं करा मेरे से ऊपर नहीं कोई अनु कह रहा मेरे से ऊपर कोई नहीं हमने कहा अपर लेवल का नंबर दे दो जो भी आपसे ऊपर हो जो भी बॉडी आपसे ऊपर उसका नंबर दे दो तो उन्होंने कहा था मेरे से ऊपर कोई नहीं है